नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 जून 2024। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF है जो मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में आपके साथ शानदार कंटेंट शेयर किया जाए जिससे आपका बेस कीमती जो समय है वो बचे, आप अन्य सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाए। 10 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की प्राची कारोला ने भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। कि प्रदेश की प्राची कारोला ने भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, रजत पदक है जो जीता है। और कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी के अंदर है जो रजत पदक है जीता। यह भरतपुर की रहने वाली है, 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये भरतपुर की रहने वाली है, ये अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रताप गौरव सम्मान किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र नाथ को। महाराज शत्रु दमन सिंह है शिवरति विद्यापीठ संस्थान की ओर से साथियों डॉक्टर राजेंद्र नाथ को है जो प्रताप गौरव सम्मान दिया गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों प्रताप गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र नाथ को है जो सम्मानित किया गया। साथियों ये मेवाड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनको हाल ही के अंदर है जो साथियों प्रताप गौरव सम्मान से सम्मानित है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है, इम्पोर्टेंट साथियों रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जयपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम ने हिमाचल में माउंट यूनम पर है जो तिरंगा फहराया, इनका संबंध किस जिले से है, ये भी इम्पोर्टेंट अपने लिए रहेगा। कि हाल ही में जयपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम ने हिमाचल में माउंट यूनम पर है जो तिरंगा फहराया, इनका संबंध किस जिले से है, तो साथियों इनका संबंध रहेगा आपके पाली जिले से। जयपाल सिंह भाटी कि नेतृत्व में टीम ने साथियों 5 जून को यह अभियान शुरू किया था और 11 जून को माउंट यूनम चोटी पर है जो तिरंगा फहरा दिया, और जिसकी ऊंचाई है जो साथियों 20,050 फीट, और इनका जो संबंध है साथियों वो कहां से रहेगा, पाली से रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है कि जयपाल सिंह भाटी का अगर आपसे पूछे संबंध, तो वो रहेगा आपके पाली से, ये अपने को याद है रखना है, और सीधा का सीधा आपसे साथियों पूछा जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा जापान के टोक्यो में 16 से 22 जून तक होने वाले साइंस प्रोग्राम में प्रदेश से कितनी छात्राएं भाग लेगी, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कि जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा साथियों जापान के टोक्यो में है जो 16 से 22 जून तक होने वाले साइंस प्रोग्राम में प्रदेश से कितनी छात्राएं भाग लेगी, तो 2 छात्राएं साथियों इसके अंदर भाग लेगी, वो है प्रीति पालीवाल व आयुषी। और इनका संबंध भी थोड़ा दिमाग में रखिए, प्रीति पालीवाल का संबंध आपके हनुमानगढ़ से रहेगा और आयुषी का संबंध है तो साथियों जैसलमेर से रहेगा, ये सब चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और पूछा जा सकता है कि प्रदेश से 2 छात्रों को साथियों सेलेक्ट किया गया है इस प्रोग्राम के लिए जो कहाँ पर होगा, जापान में, कब से कब, तो 16 से 22 जून तक साथियों इस प्रोग्राम का है जो आयोजन करवाया जा रहा है जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किस चित्रकार की है जो पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया, तो ऋषिका करोली का, किसका साथियों, ऋषिका करोली का है जो साथियों पेंटिंग का प्रदर्शन है किया गया, और ये कहाँ की है साथियों, तो ये आपके कहाँ की है, करौली की ये रहने वाली है, ये अपने को याद है रखना है, कहाँ की रहने वाली है साथियों, ये करौली की रहने वाली है। और इस प्रदर्शनी के अंदर साथियों विश्व के 48 जो कलाकार थे, विश्व के विश्व से साथियों 48 जो कलाकार हैं उन्होंने इसके अंदर है जो भाग लिया था, और इनके साथियों अपने जो करौली की युवा चित्रकार हैं उनकी जो प्रदर्शनी थी उसका है जो क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान SDG इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो साथियों आपका झुंझुनू
जिला है जो इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा। झुंझुनू का स्कोर साथियों 66.44 रहा। दूसरे स्थान पर साथियों कौन रहा? नागौर 63.98 का स्कोर रहा। तीसरे स्थान पर सीकर रहा जिसका स्कोर साथियों 63.59 रहा। और राजस्थान का ओवरऑल स्कोर साथियों आपसे पूछे पूरे अपने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर से 59.11 रहा। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है कि राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो आंसर हो जाएगा झुंझुनू रहा। उसका स्कोर भी साथियों अपने को याद रखना है। जो 45 इसके साथियों जो रैंक निर्धारण करने के जो इंडेक्स निर्धारित करने के तरीके हैं उनको है जो साथियों इसके अंदर निर्धारित किया गया, उसके बाद साथियों ये रैंक है जो जारी की जाती है, ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो उदयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। और उसके अंदर साथियों जो राजस्थान ने उसने कुल 19 पदक जीते थे और इस प्रतियोगिता के अंदर साथियों 16 राज्यों के करीब 370 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके अंदर साथियों कुल राजस्थान ने कुल 19 पदक अपने नाम किए थे। इसके अंदर साथियों 16 राज्यों के करीब 370 खिलाड़ियों ने है जो इसके अंदर भाग है जो लिया था और अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने इस प्रतियोगिता के अंदर है जो कुल कितने पदक है अपने नाम किए, तो आंसर हो जाएगा आपका 19 पदक है अपने नाम में किए थे। आगे बात करेंगे साथियों जो अपने कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिविजन। कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीप्ति शर्मा को है जो साथियों सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध भी मैंने आपको बताया था, इनका जो संबंध है वो जयपुर से है। इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थी अध्यापकों को संबोधित करने के लिए प्रदेश से किसे आमंत्रित किया, तो आंसर हो जाएगा सचिन पायलट जी को है जो साथियों 14 जून को है जो सचिन पायलट जी जो पूर्व अपने मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो साथियों जो विद्यार्थी व अध्यापक हैं उनसे क्या करेंगे, संवाद करेंगे, ये अपने को याद रखना है। 2023 में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए सरकार ने किस कमेटी की स्थापना की है, तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट सब कमेटी की स्थापना है जो की है किसकी। साथियों जो नए जिले बनाए गए थे उनके हिसाब से है जो नए जिलों और साथियों जो संभाग बनाए गए थे तीन उनकी उनको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके लिए है जो साथियों एक कमेटी का गठन किया गया। उसका नाम क्या रखा गया है, तो कैबिनेट सब कमेटी रखा गया है। और इसके अंदर साथियों अगर आपसे ये भी पूछे कि सहयोजक कौन रहेंगे, तो सहयोजक साथियों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को नियुक्त किया गया था। प्रदेश में प्लस पोलियो अभियान कब शुरू होगा, तो 23 जून से शुरू होगा, ये अपने को याद रखना है। जाह्नवी मेहरा नीतिका बंशल मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध साथियों वुशु से रहेगा। तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो प्रदेश में कहां पर लगेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर लगेगा, बांसवाड़ा के अंदर। तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांसवाड़ा के अंदर लगेगा। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 8,000 कर दिया। इसके अंदर 6,000 रुपये के अंदर सरकार दे रही है और 2,000 रुपये है जो साथियों अपने सरकार यानी प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 10 मिनट की इस क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा साथियों जो अपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका भी रिविजन कर लेते हैं। यह प्रयास और ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको जो पीडीएफ है मिलती रहेगी। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स पूछा जाता है लेकिन सीधे के सीधे हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कम समय में साथियों करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद।